जय मसीह की। आप सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं और आशा है कि आप सब घर पे सलामत हैं। और अगर कुछ दिक्कत हो आपको या अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है तो प्लीज़ हमें इन्फॉर्म करें, प्लीज़ हमें बताएं, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। और अगर कोई और रास्ता है कि हम आपको हेल्प कर पाएं तो हम वो भी समझना चाहते हैं। आज हम इकट्ठा हुए हैं प्रभु के गुण गाने के लिए, प्रभु की जय जयकार करने के लिए। और गाना गाने के पहले मैं प्रकाशित वाक्य से पढ़ना चाहता हूँ। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत हैं। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। इन वचनों से, इन ये गाना गा के हम प्रभु के नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं। तो आइए हम एक साथ ये गाना गाएं कि तू ही रब है। सब है तू ही, कल था तू ही, अब है तू ही, सबसे अलग है ओ, तू ही रब है तू ही, सब है तू ही, कल था तू ही, अब है तू ही, सबसे अलग है। कहते हैं तुझको हम सलाम, सबसे ऊंचा है जो नाम, उसको करते हम प्रणाम, सबसे ऊंचा है जो नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हमने लाखों ऐसे पर तेरे जैसा कोई नहीं रे, ऐसे वैसे तो है कितने पर दीवाने हम तो है तेरे। तू ही है आशा, तू ही भरोसा, तू ही मेरा बस ही एक खुदा। आए हैं हम इस शहर में, आए हैं हम इस शहर में यीशु का नाम ऊंचा उठाने। हम करेंगे बल्ले बल्ले और बोलेंगे आवाज उठा के। तू ही है आशा, तू ही भरोसा, तू ही मेरा बस एक खुदा। बोलो नाम यीशु, नाम यीशु, नाम। मेरे पीछे बोले, बोलो नाम यीशु, नाम यीशु, नाम। बोलो नाम यीशु, नाम यीशु, नाम यीशु, नाम। बोलो नाम यीशु, नाम यीशु, नाम। बोलो नाम यीशु, नाम यीशु, नाम यीशु, नाम। बोलो नाम यीशु, नाम यीशु, नाम। तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही अब है, तू ही सबसे अलग है। कहते हैं तुझको हम सलाम, सबसे ऊंचा है जो नाम, उसको करते हम सलाम, सबसे ऊंचा है जो नाम, यीशु नाम, ये
यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम। रब के घर में होवे सिताईश, रब के घर में होवे सिताईश, उसकी हमदो सना, उसकी हमदो सना हमेशा रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, रब की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा कादर, कामों में है वो कैसा कादर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे मदद सराई, रब की होवे मदन सराई, उसके नाम की सना, उसकी नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। आकाश बनाने वाले, धरती रचाने वाले, मुझ में समाने वाले, सबको बचाने वाले। आकाश बनाने वाले, धरती रचाने वाले, मुझ में समाने वाले, सबको बचाने वाले। करता हूँ तेरी स्तुति, गाता हूँ तेरी महिमा, कहता हूँ सभी लोगों से, मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा तू है सदा। खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा तू है सदा। जीवन दाता, बेसहारों का सहारा, निर्बल को बल तू देता, लोगों का तू है बादशाह। तू ही है जीवन दाता, बेसहारों का सहारा, निर्बल को बल तू देता,
लोगों का तू है बादशाह। करता हूँ तेरी स्तुति, गाता हूँ तेरी महिमा, कहता हूँ सभी लोगों से, मेरे खुदा मेरे खुदा, मेरे खुदा मेरे खुदा, मेरे खुदा मेरे खुदा, तू है सदा। मेरे खुदा मेरे खुदा, मेरे खुदा मेरे खुदा, मेरे खुदा मेरे खुदा, तू है सदा। मेरे खुदा तू है सदा, सारा जहां गाए गुणगान, तू खुदा मेरे पिता, सारा ब्रह्मांड तुझ पर फिदा। मेरे खुदा तू है सदा, सारा जहां गाए गुणगान, तू खुदा मेरे पिता, सारा ब्रह्मांड तुझ पर फिदा। मेरे खुदा मेरे खुदा, मेरे खुदा मेरे खुदा, मेरे खुदा मेरे खुदा, तू है सदा। मेरे खुदा मेरे खुदा, मेरे खुदा मेरे खुदा, मेरे खुदा मेरे खुदा, तू है सदा। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपका कि आज के दिन आपने हमें ब्रेथ दिया, आपने हमें सांस दी कि हम उठकर आपको याद करें। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो अभी इस महामारी में दिक्कत में है प्रभु, उनको इन्फेक्शन हो रखा है या जॉब लॉस हो रखा है। प्रभु हम आपके सामने लेके आते हैं उनको। प्रभु अगर हमारे दोस्तों में ऐसे कोई है, अगर हमारे परिवार में ऐसे कोई है, हम उनको आपके सामने लेके आते हैं प्रभु। हम नहीं समझते कि ये अभी तक ये महामारी ख़त्म नहीं हुआ प्रभु, पर हमें आप पे विश्वास है, हमें आप पे विश्वास है क्योंकि आप विश्वास योग्य हैं। आपने हमारी अनंत जीवन फाइनलाइज कर रखा है प्रभु, आपने हमें उसका अश्योरेंस दिया, उसकी आशा दी है। प्रभु हम इस जीवन में सिर्फ यात्री हैं, हमें कुछ साल, शायद 50-60 साल आपकी कृपा रही तो प्रभु 70-80 साल, कुछ अच्छे समय मिलेंगे प्रभु, कुछ दिक्कत के समय मिलेंगे, पर प्रभु हमें आपके साथ अनंत काल जीने का मौका आपने दिया और हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमें रोज़ याद दिलाएं प्रभु कि हम इस जग में हम यात्री हैं, कि हम ऐसे चीज़ें पकड़ के ना रखें जो हमें आपसे दूर लेके जाएं प्रभु, पर हम खुले हाथ उनको छोड़कर आपकी ओर दौड़े आए प्रभु। हमें रोज़ आपकी पवित्र आत्मा के थ्रू याद दिलाएं कि इस जीवन में, इस दुनिया में कुछ अनंत नहीं है प्रभु। जो हमने मकान, जो हमने नौकरी, जो हमने सोना चांदी पैसे जो इकट्ठा कर रखे हैं प्रभु, ये सब अनंत जीवन में कुछ काम नहीं आएंगे। तो हमें सिखाएं प्रभु कैसे हम आपकी ओर, आपके निकट आ पाएं, आपके वचन के थ्रू आप हमें खींचें प्रभु। हम जब गलत रास्ते में भटकें तो आप हमें सच्चाई दिखाएं और हमारे दिल में कार्य करें कि हम सच्चाई के पीछे चले आएं प्रभु। प्रभु इस समय हम आपके सामने हम अपना भेंट लेके आते हैं प्रभु, ये सब आप ही का दिया हुआ है और हम भी विश्वास में ये आपके राज्य की ओर हम देना चाहते हैं। आप हमें इतना कुछ दे चुके हैं प्रभु, हमारी ज़रूरतें आपने पूरे की हैं और हम आपको खुशी से, खुले दिल से हम देना चाहते हैं प्रभु आपके कार्य के लिए। आमीन। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, चलता हूँ मार्ग में तेरा,
चलता हूँ मार्ग में तेरा, वो निशान तू है यीशु जी, वो निशान तू है यीशु जी, बंदरगाह तू मेरा, हाँ बंदरगाह तू मेरा, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। सोचा था मैंने यह जग मेरा, सोचा था मैंने यह जग मेरा, खेत कुटुंब सब है प्यारा, खेत कुटुंब सब है प्यारा, धोखा सब कोई न सहारा, धोखा सब कोई न सहारा, व्यर्थ ही व्यर्थ है सारा, हाँ व्यर्थ ही व्यर्थ है सारा। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। धन दौलत सब मान व इज्जत, धन दौलत सब मान व इज्जत, यही रहेगा जल जाएगा, यही रहेगा जल जाएगा, यह जगह पाप से जो भरा, यह जगह पाप से जो भरा, श्राप ही श्राप है सारा, हाँ श्राप ही श्राप है सारा। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। जान गया मैं उस दिन प्रभु जी, जान गया मैं उस दिन प्रभु जी, बदला जीवन लहू से मेरा, बदला जीवन लहू से मेरा, बड़ा आनंद तूने कहा था, बड़ा आनंद तूने कहा था, पाप क्षमा हुआ तेरा, हाँ पाप क्षमा हुआ तेरा। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। इस जग में अब मैं हूँ मुसाफिर, इस जग में अब मैं हूँ मुसाफिर, क्रूस उठाकर चलता रहूँगा, क्रूस उठाकर चलता रहूँगा, पाया मैं अनमोल धन को, पाया मैं अनमोल धन को, है जो यीशु से भरा, हाँ है जो यीशु से भरा। आँख जब मेरी बंद हो जाए, आँख जब मेरी बंद हो जाए, यात्रा मेरी पूरी हो जाए, यात्रा मेरी पूरी हो जाए, पहुँचूँ मैं स्वर्गीय वतन में, पहुँचूँ मैं स्वर्गीय वतन में, यह है गीत तब मेरा, हाँ
अब गीत है मेरा। यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, चलता हूँ मार्ग में तेरा, चलता हूँ मार्ग में तेरा, ओ निशान तू है यीशु जी, ओ निशान तू है यीशु जी, बंदरगाह तू मेरा, हाँ बंदरगाह तू मेरा, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी। प्रभु आपके वचन के द्वारा आप हमें सिखाएं कि हम आपके राह पर कैसे चलें। हम जहां भी भटक गए हों प्रभु, हमें वापस आपकी राह पे लेके आएं, हमारी आंखों को खोलें, हमारे मन में आपके वचन को डालें प्रभु, और हमारे दिल में आप बदलाव लाएं। ये सभी चीज़ें मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मांगता हूँ, आमीन। आप सभी को जय मसीह की, और आप सभी का स्वागत है आज की DBF सेंट्रल सत्संग की आराधना में। एंड आई एम श्योर आज की जो आराधना का समय जहाँ पे हमने गीतों को गाया प्रभु की आराधना में, वो आशीषमय रहा होगा। और आइए हम आज वचन में जाएंगे, और वचन में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करें, और साथ ही हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए भी जो अस्वस्थ हैं, और हम साथ ही इस चीज़ के लिए भी प्रार्थना करेंगे, हम नहीं मिल पा रहे हैं, आप लोग घर पे हैं, हम बहुत चाहते हैं कि हम फिर से मिल सकें। आइए इस विषय के लिए भी जो है हम प्रार्थना करेंगे, और उसके बाद वचन में जाएंगे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सर्वोत्तम हैं, सर्वज्ञानी हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, आप अतुल्य हैं, आप आपके जैसा और कोई प्रभु नहीं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम सभी को ये मौका दिया है कि हम आपकी आराधना कर सके। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें मौका दिया कि हम अपने घरों में बैठ के आपके लिए गीतों को गा सके। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, और प्रभु प्रार्थना करना चाहते हैं। हम आसपास देख सकते हैं कोविड की जो महामारी है फिर से एक अलग रूप में आ रही है। प्रभु आपसे बस यही चाहते हैं कि प्रभु आप इस चीज़ को जल्द से जल्द ख़त्म करें। यह हमारी प्रार्थना है, आपसे विनती है प्रभु, इस चीज़ को आप जल्द से जल्द ख़त्म करें। प्रभु आपसे मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ उन सभी लोगों के लिए प्रभु जी जो इस सर्विस को देख रहे हैं प्रभु, उनके घरों में आपकी आशीष आपकी बरकत बनी रहे प्रभु, और उससे भी ज़्यादा प्रभु आपकी सुरक्षा बनी रहे, ये मेरी प्रार्थना है। प्रभु जब हम वचन में जाते हैं प्रभु, हमारे कान खुले हैं, हमारा दिल खुला है, आप हम सभी से बात करें, हर तरीके के डिस्ट्रैक्शन से बचाएं, हर तरीके के उन थॉट्स से बचाएं प्रभु जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, अलग जगह पर लेके चली जाती हैं, आपसे दूर कर देती हैं। मदद करें प्रभु कि हम आपकी आवाज़ को सुन सकें। सारा आदर मान महिमा प्रभु आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से, आमेन। अभी कुछ या फिर मैं बोलूँगा, पिछले दिनों मैं एक टॉपिक पे पढ़ रहा था, और वो टॉपिक है बेसिकली द आर्ट ऑफ स्टीलिंग, चोरी करने की जो 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 आर्ट है उसको, या उस विषय पे जो मैं पढ़ रहा था। एंड जब मैंने काफ़ी सारी केस स्टडीज पढ़ी या फिर अलग अलग न्यूज़ पढ़ी जहाँ पे चोरियाँ हुई, मैं पहले बता दूँ मैं सीखने के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि मैं कुछ कोशिश करूँगा, लेकिन इसलिए मैंने इसके लिए पढ़ा है क्योंकि आज का विषय जो है इसी बारे में है। सो मैं आर्ट ऑफ स्टीलिंग के लिए पढ़ रहा था, और जितनी भी केस स्टडीज़ मैंने पढ़ी उन सब में दो चीज़ें कॉमन निकली कि चोरी कब होती है, कैसे होती है। पहली चीज जो थी वो ये थी कि चोरी तब होती है जब कोई भी आसपास नहीं है।
स्टीलिंग इज डन व्हेन नोबडी इज अराउंड, ये बहुत कॉमन है। रात में आपकी गाड़ी खड़ी है, कोई पत्थर मार देता है और गाड़ी को चुरा लेता है, या फिर गाड़ी के अंदर कोई सामान है वो चुरा लेता है। दूसरी कॉमन चीज ये थी, चोरी दिन दहाड़े कब होती है, उस समय होती है जब कोई व्यक्ति किसी और चीज में डिस्ट्रैक्टेड है। हाँ, कोई और चीज में डिस्ट्रैक्टेड है तब कोई आता है, उनका सामान उठा के ले जाता है और चुरा लेता है। अब एक इंसिडेंट मैं शेयर करूंगा, एक दिन की बात है, एक व्यक्ति जो है एक पेट्रोल पंप पे गया, और राइट, पेट्रोल भराने के लिए पेट्रोल पंप पे गया, और ये पेट्रोल पंप जैसे बाहर के देशों में होता है, दिल्ली में भी आस्ते आस्ते आ रहा है, शायद आपने देखा होगा, वहां पे आप खुद जाते हैं, पाइप निकालते हैं और खुद पेट्रोल भरते हैं। सो ये वो वाला पेट्रोल पंप था। सो ये व्यक्ति आता है, गाड़ी खड़ी करता है, बाहर निकलता है, पेमेंट करता है, और जैसे ही वो पाइप निकालता है और गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए झुकता है और झुक के वो पेट्रोल भर रहा है, इतनी देर में एक और व्यक्ति सामने से आता है, गाड़ी के साथ खड़ा होता है और गाड़ी के अंदर देखता है कि कुछ सामान पड़ा है, और वो चुपके से जो है उसका सामान उठा के वहां से रफू चक्कर हो जाता है। और इस व्यक्ति को अभी भी नहीं पता कि हुआ क्या, ये आराम से भरता है पेट्रोल, वापस रखता है, और जब अंदर जाके देखता है तो इसका तो पर्स ही नहीं है। अब मैं ये पूछूंगा, व्हेन डिड द स्टीलिंग हैपन, चोरी कब हुई? आई एम श्योर आपको पता है, तब हुई जब इस व्यक्ति का ध्यान ही नहीं था कि एक तो इसने अपना पर्स अंदर छोड़ दिया, और दूसरा इसने अपना जो शीशा है वो भी खुला छोड़ दिया, और इसका ध्यान सिर्फ पेट्रोल भरने पे है। दिस मैन वॉज टोटली डिस्ट्रैक्टेड, और तब जो है वो चोरी हुई, तब जो है वो चोरी हुई। आप इस इंसिडेंट को ध्यान से पकड़ के रखिएगा। आज जो है हम इसी सीरीज जो हम कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है आई एम, मैं हूं, जहां पे हम यीशु मसीह के आई एम सेइंग्स को फोकस कर रहे हैं, उसमें हम आगे बढ़ेंगे। और आज का जो विषय है वो है अच्छा चरवाहा। हाँ, आज का जो विषय है वो लिया गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय को जो है हम देखेंगे। और इस खंड में हम जब देखते हैं तो यीशु मसीह अपने बारे में कहते हैं कि आई एम द गुड शेपर्ड, आई एम द गुड शेपर्ड। अब इससे पहले कि हम खंड के अंदर जाएं, मैं ये बता देता हूं कि ये जो खंड है ये बेसिकली कंटिन्यूएशन है पिछले अध्याय का। 9वें अध्याय में जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह ने एक अंधे व्यक्ति को चंगा किया, और इस चंगाई के वजह से जो है एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। हाँ, जब आप पढ़ेंगे 9वां अध्याय, तो ये जो चंगा हुआ वह व्यक्ति है, ये सबत के दिन चंगा हुआ, तो जो फरीसी हैं बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि तेको चंगाई कैसे मिल गई आज के दिन। काफ़ी ज़्यादा हियरिंग होती है, इस व्यक्ति से पूछा जाता है कि किसने तुझे चंगा किया, इसके माँ बाप से पूछा जाता है कि सच में तुम्हारा बेटा अंधा था कि नहीं अंधा था। फिर उसके बाद ये जो फरीसी हैं वो यीशु मसीह से बात करते हैं, और जब आखिरी खंड में आते हैं या एंड में आते हैं 9वें अध्याय में, तो यीशु मसीह आत्मिक अंधेपन के बारे में बात करते हैं, बेसिकली फरीसियों से बात करते हैं, और फिर जो है 10वां अध्याय जो है शुरू होता है। सो बेसिकली जब हम इस खंड में जाते हैं तो आप जरूर याद रखिएगा कि पिछली स्टोरी ऐसे चलती आ रही है, और जो यीशु मसीह कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं। सो जब हम इस खंड में जाते हैं तो यीशु मसीह हमें दो लोगों के बारे में बताते हैं। ही इज टेलिंग अस अबाउट अ थीफ। हाँ, पहला व्यक्ति जिसके बारे में यीशु मसीह बात करते हैं वो है चोर, और दूसरा जिसके बारे में यीशु मसीह बात करते हैं वो है एक अच्छा चरवाहा। सो ये दो विषय या ये दो लोगों के बारे में जो है यीशु मसीह बात करते हैं। ऑलराइट, आइए खंड में जाते हैं। यूहन्ना 10 उसका पहली आयत इस प्रकार कहती है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है वह चोर और डाकू है। किस तरीके से शुरू होता है? यीशु मसीह शुरुआत में ही कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। किससे कह रहे हैं? यीशु मसीह फरीसियों से कह रहे हैं, उस समय जो क्राउड वहां पर है उससे कह रहे हैं, जो ब्लाइंड मैन है उससे कह रहे हैं। सो बेसिकली ये सेटिंग है, और यीशु मसीह शुरुआत में ही कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। अगर आपने पिछले हफ्ते का सर्मन देखा तो उसमें भी मैंने यही बताया था कि जब कभी यीशु मसीह कहते हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तो उनका इंटेंशन या बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं
कि मैं तुमसे डायरेक्टली तुमसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहता हूं, मैं तुमसे डायरेक्टली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कहना चाहता हूं। और उसके बाद जो है यीशु मसीह पूरे अध्याय को शुरू करते हैं। यहां पे यीशु मसीह शुरुआत में कहते हैं कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता। भेड़शाला क्या है? अगर आपने देखी है, इसको इंग्लिश में शीप पेन कहा जाता है, वो एरिया जहां पे भेड़ों को रखा जाता है। और इस ये एक स्पेसिफिक एरिया होता है जहां आपका एक एंट्रेंस गेट होता है। और इजरायली कल्चर में जो चरवाहा है भेड़ों को शीप पेन में या भेड़शाला में तो रखता है, लेकिन साथ ही एक द्वारपाल को भी अपॉइंट करता है जो कि वो गेट की रखवाली करे। हाँ, गेट की रखवाली करे। और इस पहली आयत में यीशु मसीह उसी भेड़शाला के बारे में बात करते हैं और फिर कहते हैं कि परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है उस व्यक्ति के बारे में, और वो व्यक्ति जो है वो चोर है और वो व्यक्ति डाकू है। हाँ, चोर और डाकू। अगर आपने 25 दिसंबर का सर्मन अटेंड किया हो तो इसी अध्याय में से था, और वहां पे मैंने ये चोर शब्द क्यों है, किसके बारे में है, उसके बारे में बताया था। और ये जो चोर है ये बेसिकली उस व्यक्ति को डिनोट करता है, उस व्यक्ति के बारे में है जिसने किसी ना किसी समय शायद आपका गलत फायदा उठाया हो, या उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है जो आपको खत्म करने आता हो। और साथ ही ये शैतान के बारे में भी बात करता है। सो बेसिकली यीशु मसीह जब थीफ बोलते हैं या चोर बोलते हैं तो बेसिकली शैतान को डिनोट करने के लिए है, शैतान के बारे में। सो जीसस इज बेसिकली सेइंग दैट द थीफ हु कम्स टू स्टील, जो चोर चोरी करने आता है वो कभी फ्रंट गेट से नहीं आता है। यही तो बोल रहे हैं। हा? चोर जो है वो कभी भी फ्रंट गेट से नहीं आता है, बट ही स्लोली क्रीप्स इन थ्रू द बैक डोर, पीछे के दरवाजे से जो है वो आस्ते आस्ते करके घर में एंटर कर देता है। सेम चीज, हाँ, जिस तरीके से मैंने स्टार्टिंग में वो पेट्रोल भरने वाले व्यक्ति के बारे में बताया, कैसे उसकी चोरी हुई, हाँ, कैसे उसका पर्स चुरा लिया गया, जब उसने अपनी गाड़ी के शीशे को नीचे छोड़ दिया था और खुद किसी और काम में लग गया था, तब चोरी हुई। हमारी लाइफ में भी, इन आवर लाइफ ऑल्सो, शैतान जो है पीछे के दरवाजे से आ जाता है। जब कभी हम अपने घर का पीछे का दरवाजा या अपने जीवन के पीछे के दरवाजे को खुला छोड़ देते हैं या किसी चीज में लापरवाही छोड़ देते हैं, तब शैतान जो है अंदर आ जाता है। और क्या करता है, अंदर आके हमें भरमा देता है, किसी गलत शिक्षा में भेज देता है, या पाप में हमें डालने की कोशिश करता है, या किसी परेशानी में डालने की कोशिश करता है। लेकिन ये सब चीजें तभी होती हैं जब हम वो पीछे का दरवाजा खुला छोड़ देते हैं और किसी और काम में लग जाते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो यीशु मसीह यहां उस चोर के बारे में बात करता है जो भेड़शाला में आता है लेकिन सामने के दरवाजे से नहीं, लेकिन पीछे के दरवाजे से आता है। ओके, दूसरी और तीसरी आयत में जब हम पढ़ते हैं तो यहां लिखा है, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाहा है, उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जैसे मैं बता रहा था, यीशु मसीह दो लोगों के बारे में बात करता है। पहला तो चोर है जो कि बैक गेट से आता है, परेशानी क्रिएट करने आता है, लेकिन दूसरा चरवाहा है जो कि सामने के दरवाजे से आता है। हाँ, सामने के दरवाजे से आता है। और यहां पे यीशु मसीह सिर्फ यही नहीं बोल रहे, वो द्वारपाल के बारे में भी मेंशन करते हैं। जिस तरीके से मैं बता रहा था, इसराइली कल्चर में जो शेपर्ड्स होते थे वो एक गेट कीपर को भी वहां अपॉइंट करके रखते थे। हाँ, किसके लिए अपॉइंट करते थे, क्या काम होता था द्वारपाल का, हमने अभी आयत में पढ़ा। पहला, द्वारपाल का काम है कि वो भेड़ों की रखवाली करे। हाँ, रात में जब सब सो रहे हैं तो भेड़िया आकर भेड़ों को उठा के ना ले जाए, द्वारपाल का वो काम है। हाँ, साथ ही क्योंकि वो चरवाहे को जानता है तो उसके लिए वो गेट खोलने का भी उसका काम है। और तीसरा, भेड़ों की रखवाली करने का भी काम द्वारपाल का है शेपर्ड्स के साथ। सो बेसिकली यहां पे यीशु मसीह ये एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं,
एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं एक शेपर्ड की, एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं चोर की, एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं एक द्वारपाल की. ओके, फिर उसके बाद जब हम आगे पढ़ते हैं तो साथ में यीशु मसीह ये भी कहते हैं, द्वारपाल भी है लेकिन भेड़े जो हैं उसका शब्द सुनती हैं. उसके लिए द्वारपाल द्वार खोलता है और भेड़े उसका शब्द सुनती हैं. किसका शब्द सुनती हैं? द्वारपाल का नहीं. यहाँ पे जो वचन बात कर रहा है वो ये बात कर रहे हैं, जो भेड़े हैं वो चरवाहे का शब्द सुनती हैं. अब अगर इसको उसी कल्चर में लेकर जाएं तो जितने भी शेपर्ड्स होते थे या चरवाहे होते थे वो एक अलग सा साउंड निकालते थे जिससे उनकी भेड़े उनके पास आ जाएं. सो जब कभी वो ये साउंड निकालते थे, एक यूनिक साउंड होता था, तो जितनी भी भेड़े हैं उनकी वो सुन के उस चरवाहे के पास आ जाती थी. सो जब वचन यहाँ पे ये बात कर रहा है तो ये एक थॉट है यहाँ पे जो वचन हमारे सामने लेके आता है. लेकिन यहाँ पे जब और आगे जाते हैं तो और भी बात करता है इस चरवाहे के बारे में. पहला, वो द्वारपाल जो है उस चरवाहे को पहचानता है, वो भेड़ें उस चरवाहे को पहचानती हैं, लेकिन उससे आगे वो कहता है वो अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है. हाँ, एक जगह पे वो बोलता है जो थीफ है वो बैक गेट से आता है लेकिन जो चरवाहा है वो फ्रंट गेट से आता है. द्वारपाल उसको पहचान लेता है, वो भेड़ों की रखवाली करता है और सिर्फ रखवाली नहीं करता है, उनका नाम ले लेकर उनको बुलाता है. इससे हम क्या समझते हैं? ये जो भेड़ों का नाम लेना है, इससे हम ये समझते हैं कि जो चरवाहा है वो अपनी भेड़ों से बहुत प्रेम करता है. अब आप में से जितनों के घर में पेट्स हैं, मान लीजिए आपके घर में डॉग है, तो आप उसको डॉग कह के तो नहीं बुलाते, आप उसको नाम लेके बुलाते हैं. क्यों? क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं. वही चीज जो है हम यहाँ पे देखें तो क्यों जो चरवाहा है अपनी भेड़ों को नाम ले लेके बुलाता है, इट शोज दैट पर्सनल अटैचमेंट बिटवीन शीप एंड द शेपर्ड, बिटवीन द शीप एंड द शेपर्ड. और यहाँ पे हम वही चीज को देखते हैं. सिर्फ नाम लेता नहीं है, सिर्फ वहां पे रख के नहीं छोड़ देता, लेकिन वो चरवाहा जो है उन भेड़ों को उस भेड़शाला से बाहर ले जाके खाना खिलाता है, ग्रेजिंग कराता है, टहलवाता है और वापस लेके आता है. सो यहाँ पे यीशु मसीह एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं उस चरवाहे की, उसके बारे में बता रहे हैं कि ये चरवाहा कैसा है. आगे जब हम देखें 4 और 5 आयत में तो कहता है, जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं. परंतु वे पराए के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती. है ना, हाउ ब्यूटिफुल इट इज. जिस तरीके से मैं कह रहा था, यीशु मसीह एक अच्छी सी पिक्चर हमारे सामने क्रिएट करते हैं. एक भेड़शाला है, एक द्वारपाल है, एक चरवाहा है और एक चोर है. और यहाँ पे जो भेड़े हैं वो चरवाहे का शब्द सुन के उसके पास आती हैं. जो चोर है वो शीप को डिस्ट्रॉय करना चाहता है. जो गेट कीपर है वो रखवाली कर रहा है रात में. ये सारी चीज़ें हो रही हैं और जो भेड़ हैं वो इस चरवाहे का यूनिक शब्द सुन के इसके पास आ जाती हैं. अब जब हम आगे जाते हैं तो जब ये चरवाहा इन भेड़ों को उनकी भेड़शाला से बाहर लेके जाता है तो वचन हमारे सामने लेके आता है कि ही लीड्स देम इन फ्रंट. ही लीड्स देम फ्रॉम द फ्रंट. जो 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 चरवाहा है वो इन भेड़ों को पीछे से नहीं बोलता है कि तुम आगे जाओ, लेकिन आगे जाके इनको लीड करता है कि इनको कहाँ जाना है. है ना, आप आसपास देखें या इंडिया में भी जब आप देखें तो जहाँ कहीं भेड़े होती हैं उनका चरवाहा उनको पीछे से हांकता है कि इस डायरेक्शन पे जाओ. लेकिन इस कल्चर में जो चरवाहा होता था वो भेड़ों को आगे से लीड करता था. और हमारे सामने ये वचन जो है एक सच्चाई लेके आता है कि लीडरशिप, आप में से जितने भी लोग लीडर्स हैं, लीडरशिप इज ऑलवेज डन बाय एग्जाम्पल. यहाँ पे हम लीडरशिप के बारे में देखते हैं कि जो चरवाहा है एक अच्छा लीडर है, हा? एंड एक एग्जाम्पल सामने से रह के उनको लीड कर रहा है. यहाँ पे हम वो एक स्पिरिचुअल ट्रूथ हमारे सामने लेके आता है. तो जो चरवाहा है वो सामने से भेड़ों को आगे लेके जाता है, लेकिन साथ ही हमें
जो भेड़े हैं उनके बारे में भी पता चलता है कि ये जो भेड़ हैं वो इधर उधर नहीं जाती हैं। चरवाहे के बारे में तो हमें पता चल गया, लेकिन साथ ही ये जो वचन है ये हमें भेड़ों के बारे में भी बताता है कि वो भेड़ें इस चरवाहे का शब्द पहचानती हैं। ये भेड़ें चरवाहे का शब्द पहचानती हैं। अब इससे हम क्या समझें, क्या समझें इससे? सिर्फ शब्द पहचानने का मतलब ये नहीं है एक नॉर्मल चीज। अब एक एग्जांपल बताऊंगा। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है, जब कभी वो अपनी माँ की आवाज़ सुनता है, या तो वो रोता है क्योंकि उसको भूख लग रही है, या तो वो हंसता है उसकी उसको देख के। इससे हम देख सकते हैं कि माँ और बच्चे में जो प्रेम है वो चीज़ हमें दर्शाता है। यहाँ पे भी जब वचन हमारे सामने लेके आता है कि ये जो भेड़े हैं इस चरवाहे का शब्द सुनती हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि ये भेड़ भी अपने चरवाहे से प्रेम करती हैं। ये भेड़ भी अपने चरवाहे से प्रेम करती हैं। और पांचवी आयत में बड़ी डायरेक्टली वर्ड कहता है, वे पराए के पीछे नहीं जाएंगी परंतु उससे भागेंगी। कौन है वो पराया जिसके बारे में बात हो रही है? यहां पे वो चोर के बारे में बात हो रही है कि वो किसी और के पीछे ऐसे नहीं चले जाएंगी। वो चरवाहे को जानती हैं, चरवाहे का शब्द पहचानती हैं और वो चरवाहे के पीछे जाती हैं, चरवाहे के पीछे जानती हैं। और जब हम आगे जाते हैं, क्योंकि मैं बता रहा था एक कॉन्वर्सेशन हो रही है, भजन हमारे सामने लेके आता है कि उनको अभी भी समझ नहीं आया। फरीसियों को समझ में ही नहीं आया कि यीशु मसीह जब ये बात कर रहे हैं तो क्या बात कर रहे हैं, हाँ क्या बात कर रहे हैं। ये पूरा दृष्टांत में यीशु मसीह ने बोला क्या है, दे डिंट अंडरस्टैंड। तभी तो छठी आयत कहती है, यीशु ने उनसे ये दृष्टांत कहा परंतु वे ना समझे, वे ना समझे। और जब हम आगे देखते हैं 7, 8, 9, 10, ये हम आने वाले संडे में बात करेंगे, क्योंकि यहां पे भी यीशु मसीह अपने बारे में कहते हैं कि मैं वो डोर हूं। लेकिन लेट्स क्विकली जंप टू वर्स 11। और जब हम 11वीं आयत में आते हैं, यीशु मसीह और भी डायरेक्ट हो जाते हैं। ही इज वेरी डायरेक्ट नाउ, एंड नाउ जीसस सेज आई एम दैट शेपर्ड, मैं हूं वो चरवाहा जिसके बारे में मैं वो दृष्टांत में बात कर रहा था, वो अब मैं हूं, वो मैं हूं। पिछला पूरा जो दृष्टांत या पिछला जो इलस्ट्रेशन मैंने दिया, वो अब वो सारी चीजें मेरे बारे में। नाउ ही इज टेलिंग द मीनिंग एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द इलस्ट्रेशन। वो अब जो है बता रहे हैं कि ये जो मैंने बोला उसका मतलब क्या है। सो जब हम 18 आयत तक जब हम देखते हैं, सो यहाँ पे यीशु मसीह उसी चरवाहे के बारे में जो है बात करते हैं। सो दैट मीन्स शेपर्ड कौन हुआ? यीशु मसीह। चोर कौन हुआ? मैंने बताया, शैतान। गेट कीपर कौन है? अब बात आती है गेट कीपर कौन है। गेट कीपर वो व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने हायर किया है उस भेड़ों की देखभाल करने के लिए, वो है कलीसिया के पास्टर्स। प्रभु ने मुझे बुलाया है कि मैं भेड़ों की रखवाली करूं, एंड आई एम दैट गेट कीपर। और यहां पे भेड़े कौन है? भेड़े आप और मैं हैं। मैं भी तो भेड़ ही हूं यीशु मसीह की। सो ये सारी चीजें जो है यीशु मसीह अब रिवील करने लगते हैं कि ये चीज है। 11वीं आयत में यीशु मसीह शुरुआत में कहते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। नाउ जीसस इज वेरी डायरेक्ट एंड स्पेसिफिकली अपने बारे में कहते हैं, आई एम दैट गुड शेपर्ड, मैं हूं वो अच्छा चरवाहा जिसके बारे में मैं शुरुआत में बता रहा था। और ये चीज जब हम देखें, यीशु मसीह बेसिकली यहेजकेल 34वें अध्याय 11 से 31वीं आयत को जो है यीशु मसीह कोट करते हैं, लेकिन वहां पे सिर्फ चरवाहे के बारे में बात हो रही है, यहां पे यीशु मसीह अच्छा चरवाहा बोलते हैं। व्हाट डज दिस गुड मीन? या यीशु मसीह अपने आप को अच्छा क्यों बोल रहे हैं? सवाल ये उठता है, इसका जवाब भी हमारे सामने है। क्यों? अच्छा चरवाहा जो है वो भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, इसीलिए यीशु मसीह अपने आप को अच्छा चरवाहा बोल रहे हैं। जीसस जो है वो क्यों आए इस धरती पर?
उस चीज को जो है यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान दे देता है। He came to this earth to die. वो इस संसार में इसलिए आए कि वो मर सके और उनकी मौत के द्वारा आप और मैं जो है वो बच जाए। क्यों? ये जो पाप है हाँ, जो कि जिसके वजह से हम जकड़े हुए हैं, जो शुरुआत से आदम और हवा के पाप करने के वजह से आया, डिसोबीडियंस के द्वारा जो पाप आया, उस चीज को जो है यीशु मसीह केटर करने के लिए संसार में। और ये जो पाप है, इट वॉज लाइक अ वाइल्ड एनिमल, ये एक भूखे भेड़िए के समान था जो कि हमें खाने वाला था या फाड़ खाने वाला था। जब यीशु मसीह आए, वो अच्छा चरवा बना कि वो उस भेड़िए के बीच में आ जाए और वो मरे जिससे हम बच जाए। हम क्योंकि अगर भेड़े हैं तो यीशु मसीह वो अच्छा चरवा है जिसने हमें उस पाप जो भूखा भेड़िया था उससे हमें बचाया है। और इसीलिए जो है यीशु मसीह कहते हैं मैं हूं अच्छा चरवाहा, मैं हूं अच्छा चरवाहा। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं कुलूसियों 2:15, कुलूसियों 2 और उसकी 15वीं आयत इस प्रकार कहती है, कुलूसियों 2:15, और अपने शरीर में बैर, आई एम सॉरी इफ इसे खुल गया, कुलूसियों 2:15, और अपने प्रधानताओं और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। यहां पे जो वचन है हमारे सामने यही मेंशन करता है कि जब यीशु मसीह ने क्रूस पे अपनी जान दी हाँ, तो संसार की जितनी भी प्रधानताएं हैं, जितने भी अधिकार हैं, जो शैतान के गढ़ हैं, उनका उसने खुल्लम खुल्ला, बड़ा सुंदर वर्ड है, तमाशा बना दिया और उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। सो जब यीशु मसीह आए यहां पे, ही केम टू रेस्क्यू यू एंड मी, हमें बचाने के लिए आए, और ना कि सिर्फ बचाने के लिए आए लेकिन हमें छुटकारा देने के लिए आए। और इसीलिए वो एक अच्छा चरवाहा है, इसीलिए वो एक अच्छा चरवाहा है। 12:13-14-15 आयत को जब हम देखते हैं तो यहां पे यीशु मसीह बेसिकली कहते हैं, मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वो इसलिए भाग जाता है कि वो मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण दे देता हूं। पिछले हफ्ते भी मैं यही चीज मेंशन कर रहा था कि हम में से कई लोग ऐसे हैं जो कि किसी मनुष्य पे विश्वास करते हैं कि अरे वो उस व्यक्ति के पास जाओ वो चंगा कर देगा, या इस जगह पे जाओ यहां तुम्हें चंगाई मिलेगी, या उस ग्रुप में शामिल हो, बहुत बड़ा ग्रुप है वो। हम लोग जो है किसी व्यक्ति विशेष पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन यहां पे कुछ और चीज हमारे सामने वचन लेके आते हैं। एक एग्जांपल शेयर करूंगा। कुछ समय बाद परमेश्वर ने जो है मुझे मौका दिया कि मैं एक फैमिली में जाके, एक लड़की है वो शैतान की गिरफ्त में थी, हम वहां पे गए, प्रार्थना करी मैंने, और परमेश्वर की दया से वो जो लड़की है वो शैतान के बंधन से मुक्त हुई। लेकिन वो उस डिलीवरेंस के बाद मैंने उन्हें स्पेसिफिकली यही समझाया कि ये जो चंगाई मिली है ये मेरी वजह से नहीं मिली है, लेकिन सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह की वजह से मिली है। आई डोंट हैव द पावर, इट इज ओनली जीसस हु हैज द पावर टू हील यू। और यहां पे वचन यही हमारे सामने कहता है, ट्रस्ट एंड हैव फेथ इन हिम। भरोसा और विश्वास सिर्फ उसी पर रखिए, सिर्फ यीशु मसीह पर रखिए और किसी पे नहीं। एंड बड़ा सुंदर तरीके से एक चीज हमारे सामने लेके आता है कि हम जो सेविकाई में हैं, वी आर जस्ट गेट कीपर्स। हमें जिसने, जब प्रभु ने हमें बुलाहट दी है, तो हम सिर्फ एक गेटकीपर का काम करते हैं। मैं सिर्फ एक गेटकीपर का काम करता हूं, मेरा काम है भेड़ों की रखवाली करना। चरवाहा, बड़ा चरवाहा तो वो है,
और इसीलिए यीशु मसीह इन आयतों में बड़ा क्लियरली हमारे सामने कहते हैं कि फोकस योर अटेंशन ऑन मी, अपना जो ध्यान है वो किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं, किसी जगह विशेष पे नहीं, लेकिन सिर्फ उस पे लगाओ और किसी पे नहीं, क्योंकि वो अच्छा चरवाहा है। यीशु मसीह कहता है, आई एम द गुड शेपर्ड, आई विल प्रोटेक्ट यू, आई विल लिसन टू योर प्रेयर्स, मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, नया जीवन दूंगा। इसीलिए वो एक अच्छा चरवाहा है, इसीलिए वो एक अच्छा चरवाहा है। लेकिन जब हम वचन पढ़ते हैं, सिर्फ यहां पे ही नहीं रुक जाता, वचन कहता है भेड़े मुझे जानती हैं। पहले बोला भेड़े मेरी आवाज सुनती हैं, लेकिन अब वचन कहता है भेड़े मुझे जानती हैं, भेड़े मुझे जानती हैं। एक सवाल मैं आप सभी से करूंगा, आपका चरवाहा कौन है? आपका चरवाहा कौन है? हाँ, ऑफ कोर्स वचन पास्टर्स एंड लीडर्स को चरवाहा बोलता है, लेकिन गेटकीपर का भी तो काम था भेड़ों की देखभाल करना। द हेड शेपर्ड इज जीसस। सवाल ये उठता है, हु इज योर शेपर्ड? आपका चरवाहा कौन है? क्या कोई व्यक्ति है, क्या कोई वस्तु है कि इस पे भरोसा रखूंगा ये मुझे छुटकारा देगी, या इस मनुष्य पे भरोसा रखूंगा ये बहुत पावरफुल है ये मुझे संभाल लेगा, या परिवार? Who is your shepherd? कौन है आपका चरवाहा? कौन है आपका चरवाहा? आगे बढ़ते हैं, 16वीं आयत में जब हम देखें तो लिखा है मेरी और भी भेड़े हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है, वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। सच ब्यूटिफुल इमोशन वी कैन ऑब्जर्व हियर। यहाँ पे जब यीशु मसीह बोल रहे हैं, उनका जो इमोशन है वो एक डेस्परेशन का इमोशन है, वो डेस्परेट हैं, वो उनकी इच्छा यहाँ पे हम देख सकते हैं डेस्परेशन वाले। एक एग्जाम्पल के थ्रू ये शेयर करूँगा। मान लीजिए, प्रभु ऐसा ना करे, लेकिन मान लीजिए आपकी फैमिली में कोई व्यक्ति है जो एकदम से सीरियस हो जाते हैं और उनको हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं, और बहुत सीरियस हैं वो। नाउ इमेजिन आपकी इच्छा क्या होगी, या आपके अंदर वो डेस्परेशन होगी कि अरे ये व्यक्ति जल्द से जल्द हॉस्पिटल से निकल के घर आ जाए। वही सेम डेस्परेशन, वही सेम इमोशंस यीशु मसीह के हैं, वही सेम इमोशंस यीशु मसीह के हैं। जीसस डेस्परेटली, यीशु मसीह डेस्परेटली कहते हैं There are more sheep that need to come into this sheep pen. और भी भेड़े हैं जिनका यहाँ पे आना जरूरी है। यीशु मसीह वो डेस्परेट हैं कि अरे इतनी तो आ गई, वो 99 वाली कहाँ है, वो एक जो चली गई थी वो कहाँ है। ही इज वेरी डेस्परेट, एंड यहाँ पे यीशु मसीह वही कहते हैं, ही विल बी ब्रिंगिंग देम सून। यीशु मसीह कहते हैं उन भेड़ों को मैं जल्द ही लेके आने वाला हूं, दे विल हियर माई वॉइस। कितना सुंदर तरीके से कहते हैं ना, वो मेरी आवाज को सुनेंगी, मैं उनको ले आऊंगा। क्या आप उनमें से किसी कोई एक व्यक्ति है जो यीशु मसीह की आवाज इस समय सुन रहे हैं? आई थिंक द गुड शेपर्ड इज कॉलिंग यू। क्या आप उनमें से कोई व्यक्ति हैं जो इस समय यीशु मसीह की आवाज सुन रहे हैं? आई थिंक दिस इज द टाइम जब यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तेरे को लेने आया हूं, या मैं तेरे को छुड़ाने आया हूं, या मैं तेरे को बचाने आया हूं। तू परेशान मत हो, हाँ तू भटक गई होगी या तू मुझे ढूंढ रही है, मैं आ गया हूं तुझे लेने के लिए। क्या आप वो व्यक्ति हैं जिसे यीशु मसीह की आवाज सुन पा रहा है इस समय? यीशु मसीह आपके बारे में बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं, 17 और 18 आयत कहती है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने
का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। कॉन्वर्सेशन तो कुछ और हो रही थी ना, यीशु मसीह तो चरवाहे के बारे में बात कर रहा था, अपने बारे में बात कर रहा था, तो ये बड़ा ऑफ सी चीज कैसे आ गई कि पिता की बात शुरू हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम 9वीं अध्याय को देखते हैं तो जब यीशु मसीह ने उस अंधे व्यक्ति को चंगा किया तो बहुत ज्यादा एक्यूजेशन या दोष उस यीशु मसीह पर लगने लग गए कि ये जो है अंधकार की शक्तियों से इस व्यक्ति को चंगा करता है। लेकिन जब पूछा जाता है इस अंधे व्यक्ति से तो यह अंधा व्यक्ति कहता है कि यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया और वो परमेश्वर है। एंड यहां पे यीशु मसीह उसी चीज को क्लेम करते हैं या उसी चीज को लेके आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कहते हैं कि हाँ, मैं अच्छा चरवाहा हूं, हाँ मैं तुम्हें जीवन दे सकता हूं, मैं हूं वो अच्छा चरवाहा। और यहां पे वो अपनी मौत, हाँ, जो अच्छे चरवाहे का कार्य है वो लेके आते हैं, हाँ वो लेके आते हैं। लेकिन एक चीज जरूर वो क्लियर कर देते हैं हम सब के लिए, हाँ हम सब के लिए वो चीज क्लियर कर देते हैं कि वो मरे इसलिए नहीं कि लोगों ने उन पर लांछन लगाए, वो इसलिए नहीं मरे कि वो लोगों ने उनको पकड़ लिया, वो इसलिए नहीं मरे, क्रूस पे नहीं मरे कि लोगों ने उन पर दोष लगाए, नहीं, He chose to die। उन्होंने चुनाव किया कि वो आपके और मेरे लिए अपना जीवन देंगे, क्योंकि वो तो परमेश्वर है, कौन उसे पंगा ले सकता है। हाँ, यहां पे यीशु मसीह उसी चीज के बारे में बात करते हैं कि I chose to die for you, मैंने चुना है कि मैं तुम्हारे लिए अपना जीवन दूं। और सिर्फ यही नहीं रुक जाते, वो कहते हैं कि उनकी ये जो बेशकीमती मौत है वो अंत नहीं है, His resurrection, उनका जो पुनरुत्थान है वो प्रूफ है हमारे सामने। किस चीज का प्रूफ है? कि यीशु मसीह प्रभु है। हाँ, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं रोमियो उसका पहला अध्याय और उसकी चौथी आयत, रोमियो 1:4, इस प्रकार लिखा है, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। किसके बारे में बात हो रही है? वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बात हो रही है। सो यीशु मसीह की मौत जो है सिर्फ वही अंत नहीं है, यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है वो हमारे सामने एक प्रूफ लेके आता है कि ही इज गॉड, वो परमेश्वर है। उसका पुनरुत्थान हमारे सामने एक प्रूफ लेके आता है कि वो ही मसीहा है, हमारा सेवियर है, आपका सेवियर है। हाँ, उसका जो पुनरुत्थान है हमारे सामने एक प्रूफ लेके आता है कि उसके अंदर सामर्थ है आपकी कठिनाइयों से आपको बचाने में, हाँ उसके अंदर सामर्थ है आपको सस्टेन करने में, उसके अंदर सामर्थ है आपको अनंत जीवन देने में। हाँ, और जब यीशु मसीह ये बारे में बोलते हैं वो अपने बारे में यही बता रहे हैं कि चोज टू डाई फॉर यू, He chose to die for you, क्योंकि वो आपसे बेहद प्रेम करते हैं, वो अच्छा चरवाहा है, वो अच्छा चरवाहा है। जस्ट खत्म करने के समय, 2004 के समय जो है एक बहुत ही फेमस या बहुत ही प्रसिद्ध एक न्यूज हुई, न्यूज आई थी एक भेड़ के बारे में। एक भेड़ जो है, क्योंकि उसको ऊन जो उस पर जो शेव किया जाता था वूल, वो उसको पसंद नहीं था, तो इस वजह से वो भाग गई अपने चरवाहे को छोड़ के, और 6 साल तक वो एक गुफा के अंदर थी। और जब 6 साल के बाद जब वो चरवाहा उसको ढूंढता है तो उसी वो जो यूनिक आवाज है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो आवाज निकालता है और वो भेड़ जो है एकदम से उस गुफा से बाहर आ जाती है। और ये न्यूज में दिखाया था, आप श्रेक द शीप अगर सर्च करेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। तो जब वो भेड़ उस गुफा से बाहर आती है तो 6 साल से उसका ऊन कतरा नहीं गया था। हाँ, तो जब बाहर आती है तो सिर्फ उसकी शक्ल इतनी सी दिख रही है और पूरा का पूरा जो है ऊन उसके ऊपर, ऊन से वो ढकी हुई, और इतना ऊन निकला कि 20 लोगों के या 20 आदमियों के कोट बन जाए, इतना ऊन उसमें से निकला। जब उसकी शेव हुआ तो कम से कम 4.5 किलो के लगभग जो है उसका ऊन निकला। 4.5 किलो 6 गुना ज्यादा है एक नॉर्मल चीज से। लेकिन कैसे हुआ, कब हुआ? बिकॉज 6 साल से
शी वॉज अवे फ्रॉम द शेपर्ड. हाँ, 6 साल से वो भेड़ जो है अपने चरवाहे से दूर थी, तभी वो इतनी बड़ी वूल से ढक गई थी. और जब उसको ढूंढा गया और जब वो मिल गई, तो सिर्फ आधा घंटा लगा था चरवाहे को उसके ऊन कतरने में. और उस आधे घंटे के बाद वो 4.5 किलो का जो बर्डन था उसके ऊपर, उससे वो मुक्त हो गई. और ये इंसिडेंट के बाद, ये न्यूज़ के बाद एक स्टडी भी आई, और इस स्टडी में ये पता चला, अगर आप भेड़ों को ऐसे ही छोड़ दें, हाँ, उनका ऊन ना कतरें, हाँ, या ऊन उनका निकालें नहीं, या शेव नहीं करें, तो वो अनगिनत बढ़ता ही रहेगा, कभी रुकेगा नहीं, बढ़ता ही रहेगा, कभी रुकेगा नहीं. हाँ, और जब इस इंसिडेंट को मैं पढ़ रहा था, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि जब परमेश्वर ने भेड़ को रचा, शायद वो आपके और मेरे बारे में सोच रहा होगा. A sheep is always in a need of a shepherd. एक भेड़ जो है उसको हमेशा एक चरवाहे की जरूरत है. हाँ, क्यों? ये चरवाही है जो उस भेड़ को इतने भारी ऊन का जो बर्डन है उससे मुक्त कर सकता है. Shepherd is the one who would free her from the burden जो उसके ऊपर लदा हुआ है. शायद वो आपके और मेरे बारे में सोच रहा था. तो जस्ट खत्म करने के लिए 2 सवाल मैं पूछूंगा. Are you someone जो प्रभु से, जो अच्छा चरवाहा है, उससे दूर चले गए हैं और अपने ऊपर बर्डन बना लिए हैं? क्या आप वो व्यक्ति हैं? Are you someone जो शायद किसी कारणवश, हाँ, या कुछ भी हो सकता है, यीशु मसीह जो अच्छा चरवाहा है उससे दूर चले गए, और दूर जाने की वजह से आपने अपने ऊपर बर्डन डाल लिए, अलग अलग बर्डन डाल लिए, टेंशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ये आप जानते हैं. मती 11 आपके बारे में कहता है, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं, मती उसका 11वां अध्याय और उसकी 28 से लेके 30वीं आयत तक, यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है. हे परिश्रम करने वालों, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. जैसा मैं कह रहा था, सवाल मैं यही कर रहा था, क्या आप वो व्यक्ति हैं जो यीशु मसीह से दूर चले गए? Are you down with lot of burdens? क्या आपके ऊपर बहुत ज्यादा भार लदा हुआ है, बोझ लदा हुआ है? आपके लिए यीशु मसीह कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, उस अच्छे चरवाहे के पास आओ, वो तुम्हें शांति देगा. और दूसरा सवाल मैं उन लोगों से करना चाहता हूं जिन्होंने आज उस अच्छे चरवाहे का शब्द सुना है, उस अच्छे चरवाहे का शब्द सुना है. उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो सच्चाई की तलाश में हैं, जो थक चुके हैं, जो गिर गिर के थक चुके हैं, जो परेशान हो के थक चुके हैं. आपके लिए यीशु मसीह बस यही कहता है. 1 यूहन्ना 1:9 आप निकाल सकते हैं, बहुत सुंदर आयत है. 1 जॉन 1:9 यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है. Are you someone to whom this good shepherd is calling today? क्या आप ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिसको अच्छा चरवाहा आज बुला रहा है? आपने उस अच्छे चरवाहे की आवाज डायरेक्टली सुनी है? वचन आपको बस यही कहता है कि उसके सम्मुख आ जाइए, उस अच्छे चरवाहे की भेड़ों में शामिल हो जाइए, क्योंकि वही अच्छा चरवाहा है जो आपको भेड़िए से बचा सकता है, जो आपको चोर से बचा सकता है. क्यों? क्योंकि वचन कहता है चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है.
लेकिन यीशु मसीह इसलिए आए कि आप और मैं जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। चॉइस आपकी है, चॉइस आपकी है। आपके सामने यीशु मसीह ने इन दो लोगों को खड़ा कर दिया है, एक जो है अच्छा चरवाहा जो कि यीशु मसीह खुद है, और एक भेड़िया है या एक चोर है जो आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए आपके जीवन में आए। और वो आता भी है, तब आता है जब हम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, हम अपना बैक गेट खुला छोड़ देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है आपके साथ? आप किस श्रेणी में आते हैं? आर यू समवन जो प्रभु से दूर चला गया है थोड़ी देर के लिए? समय है कि आज आप यीशु मसीह के पास आ जाएं। और आप यदि वो हैं जिसने यीशु मसीह की आवाज आज सुनी है, आपके लिए भी यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरी भेड़ों के साथ शामिल हो जाए। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। आइए हम प्रार्थना करें। और आप कुछ समय ले सकते हैं सोच विचार करने का। आज वचन ने आपके सामने डायरेक्टली बोला है, यीशु मसीह ने डायरेक्टली बोला है कि वो अच्छा चरवाहा है। आप कहां पे आते हैं? क्या आप यीशु मसीह के निकट हैं, उस अच्छे चरवाहे की भेड़ों में शामिल हैं, या दूर जा रहे हैं? आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं और कुछ समय लें अपने अपने जीवन को विचारने का कि आपका जीवन कैसा है। कहीं आपने लापरवाही से बैक गेट खुला तो नहीं छोड़ दिया है जहां से भेड़िया आ सकता है? कहीं पाप तो नहीं है आपके जीवन के अंदर जो भेड़िए ने लाए हैं? क्या आपके जीवन में ऐसी चीजें तो नहीं है जो आपको यीशु मसीह से दूर करती हैं? आज वो समय है कि वो उस अच्छे चरवाहे को दे दें। जिस तरीके से वो भेड़ जो गुफा में थी, आने के बाद उसका बर्डन खत्म हो गया, आज वो समय है कि हम अपने सारे बर्डन्स को, सारे बोझ को यीशु मसीह के हाथ में सौंप दें। आइए हम प्रार्थना करें। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वो मेरी जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं ये समय के लिए। धन्यवाद प्रभु कि आपका वचन हमें समझाता है, शिक्षा देता है। और धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए भी प्रभु, जहाँ पे आपने हमारे सामने ये बताया है, हमें बताया है कि आप वो अच्छे चरवाहा हैं और कोई चरवाहा नहीं, सिर्फ आप। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। मदद करें प्रभु कि हम आपकी भेड़ों में शामिल हो जाएं फिर से। प्रभु, मैं उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो किसी कारणवश आपसे दूर चले गए। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आपने उन सभी से ये समय में बात करी है, उन्हें उत्साहित किया है कि वो फिर से आपके पास आ जाए। प्रभु, मैं साथ ही उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करना चाहता हूँ जिन्होंने आपकी आवाज़, आप जो अच्छे चरवाहा हैं, आपकी आवाज़ सुनी है। प्रभु, मदद करें कि उनके अंदर वो हियाव हो कि वो आपके गले में शामिल हो, आपकी भेड़ों के साथ शामिल हो। प्रभु, धन्यवाद देते हैं ये समय के लिए, धन्यवाद आज के वचन के लिए, और धन्यवाद प्रभु आपने हम सब से विभिन्न रूप में, विभिन्न विषयों में, विभिन्न तरीके से हम सब से बात करी है। सारा आदर, मान, महिमा प्रभु यीशु आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से, आमेन। आइए हम सब खड़े हो जाएं और हम जो है एक साथ जो है आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। आप सब अपनी अपनी जगहों पे खड़े हो सकते हैं और हम जो है आशीष वचन को एक साथ ग्रहण करेंगे।
अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग होता रहे। आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आप सभी का हफ्ता शुभ हो। जय मसीह की।